स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई हमारी मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखो हमारे मार्केट के अंदर आज फिर हमें जो है बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। सुबह भी गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद जो है नीचे से रिकवरी लिया और प्रीवियस क्लोजिंग या फिर आप लोग प्रीवियस क्लोजिंग से हल्का सा ऊपर गया, ठीक है, इतना भी इस लेवल पर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में, तो यहाँ से जब ऊपर से गिरावट होना स्टार्ट हुई तो अब आप लोग देखोगे भी 150 पॉइंट के करीब मार्केट फिर से नीचे चला गया है। और मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये समझाया था, सुबह भी मैंने आपको ये समझाया था, उससे पहले भी मैंने आपको ये समझाया था, जब मार्केट में तेज़ी बन रही है तो आपको जो है ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है कि मार्केट बस यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक है, अब यहाँ से पैसा डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती करे हो भी एकदम पैसा डालकर, ठीक। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे रीज़न ढूंढने के लिए आप जाओगे भी क्या कारण हो सकते हैं। आज से 5-6 दिन पहले क्या कारण थे भाई, आज से 10 दिन पहले क्या कारण थे, वही कारण आज है। कोई पर्सनल रीज़न नहीं है कि उसकी वजह से मार्केट में गिरावट बनी हो। अभी आप लोग देखोगे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं यहाँ पर भी हमें जो है अभी दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे यूएस मार्केट कल पॉजिटिव क्लोजिंग लिया भाई, डाउ जोन्स नेगेटिव था और बाकी नेस्डेक में अच्छी खासी तेज़ी थी, S&P 500 में भी ठीक ठाक था, ठीक है। लेकिन इसके बाद फ्यूचर मार्केट की बात करें तो ये फ्यूचर मार्केट भी वो पॉजिटिव चल रहा है भाई। तो आज जो गिरावट के पीछे रीजन हो सकता है तो क्रूड ऑयल आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जो दाम है क्रूड ऑयल के वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कारण हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा आप लोग रिजल्ट्स भी कुछ खास तो है नहीं है भाई, कोई ख़राब भी आई हो रिजल्ट्स के दौरान, कल भी रिजल्ट्स आए थे कई कंपनियों के, ख़राब भी आए थे लेकिन अच्छे भी बहुत सी कंपनियों के आए, तो रिजल्ट्स को तो हम कारण नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आज फिर हमें जो अभी बड़ी बिकवाली का सामना करते हुए नज़र आ रही है हमारे मार्केट के अंदर, तो FII की तरफ से आज फिर बिकवाली हो रही है, ठीक है। और इधर आप लोग देखोगे आज जो पोर्टफोलियो, कई भाइयों को लग रहा है कि पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी रैली बनी हुई है, पोर्टफोलियो फिर भी तेज़ी में है भाई, वो आपका पोर्टफोलियो जो है वो तेज़ी में है स्लो, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है और जो मिड कैप इंडेक्स है उसकी वजह से। मिड कैप में देखो गिरावट बनी है अभी के टाइम बनी है, लेकिन मिड कैप आज पॉजिटिव था और स्मॉल कैप इंडेक्स पॉजिटिव था। इधर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी जो कल मार्केट को बूस्ट दिया था, आज बैंक निफ्टी बड़ा कारण बना हुआ है गिरावट के पीछे, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, उन सभी में आज हमें गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कारण रहे मार्केट में गिरावट के पीछे, और कोई पर्सनल रीज़न तो नहीं हो सकता भी इस वजह से मार्केट में कोई बड़ा फॉल बना, कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हो, ऐसा अब तक तो कुछ सामने आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं क्या रिवर्सल के संकेत है कल की तरह, क्या पता लास्ट में ऊपर में क्लोजिंग ले जाए मार्केट भाई। तो यहाँ पर देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो है एक ट्रेंड देखने को मिला था इसके अंदर, हालांकि आज गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी ली, लेकिन वो रिकवरी ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया भाई, ठीक है। कल का जो भाव था ऊपर में, ठीक है, इस भाव को जो है ये ब्रेक तो जरूर किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसी कैंडल के साथ ऊपर से नीचे, और फिर जो गिरावट बनी है वो आपके सामने भाई। यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है इसके अंदर तो सपोर्ट जो हमें देखने को मिल सकता है अभी वो देखोगे इस लेवल के आसपास का सपोर्ट पकड़ के चलो, जो कि रहेगा अभी 24267 का, अभी मार्केट में 24267 का सपोर्ट है, और ऊपर अगर ये निकलता है भाई फिर से 24350 के, तो फिर वहाँ से जो है अभी स्टॉक मार्केट में फिर से एक रिकवरी आने की संभावना बन सकती है। तो मार्केट में रिकवरी कहाँ से बन सकती है, अगर ये 24350 के ऊपर में डटा तो, अगर नीचे है तो इसके 24267 तक जाने के चांसेस बने हुए हैं भाई। और बाकी खबरें आपके साथ साझा कर ही रहे हैं भी, टाटा पावर के रिजल्ट्स आने आज, बायोकॉन के, एयरफ्लैक्स इंडस्ट्री के, IRB इंफ्रा के, ठीक है, LNT के रिजल्ट्स आने हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे बाजार के ऊपर। अगर मार्केट टाइम में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मार्केट के बाद आए तो कल देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।